कर दोस्तों दोस्तों जब भी आप कोई ऑनलाइन में फॉर्म भरते हैं या फिर कोई बड़ी फाइल पीडीएफ ही कहीं भी किसी को भेजनी होती है, तो जैसे कि व्हाट्सएप में भी एक लिमिट होता है कि 25 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल आप नहीं भेज सकते, तो ऐसी जगहों पर अगर आपको पीडीएफ को कंप्रेस करना हो या फिर कभी फोटो को पीडीएफ बनाना हो या पीडीएफ से फोटो बनाना हो या ऐसी अदर कोई भी बहुत सारे फॉर्मेट जैसे एक्सेल के, वर्ड के, ऐसे जितने भी फॉर्मेट होते हैं उनको अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो या कोई पहले से बनी हुई पीडीएफ है उसको प्रोटेक्ट करना हो, यानी कि उसमें पासवर्ड लगाना हो, या किसी लगे हुए पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट करना हो, या फिर पीडीएफ के अंदर हमको पेज का जो सीक्वेंस होता है उसको आगे पीछे करना पड़ता है, तो अगर पीडीएफ से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो, ऐसी कोई भी क्यूरी हो जिसमें पीडीएफ के ऊपर आपको काम करना है, तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपका हर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो देखिए वो वेबसाइट आप स्क्रीन पे आ जाइए, स्क्रीन पे देखेंगे तो देखिए अगर आप यहाँ पे डालेंगे पीडीएफ कैंडी करके एक वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएंगे तो पीडीएफ कैंडी के नाम से ये pdfcandy.com जो ये वेबसाइट है यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे कि पीडीएफ के लिए 20 से ज्यादा फॉर्मेट में आप काम कर सकते हैं और इस पीडीएफ के ऊपर काम करने के लिए आपको 47 से ज्यादा टूल्स जो है अवेलेबल है इस वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट का एक ऐप भी है यानी कि एक सॉफ्टवेयर भी है, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि इसके अंदर क्या क्या टूल्स हैं। देखिए आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हैं, पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, दो पीडीएफ को मिला के या दो या दो से ज्यादा पीडीएफ को मिला के एक पीडीएफ बना सकते हैं, पीडीएफ को वर्ड में या वर्ड को पीडीएफ कर सकते हैं, एक्सेल को पीडीएफ या किसी फोटो के जिसका जेपीजी फॉर्मेट हो या पीएनजी फॉर्मेट हो उसको आप पीडीएफ कर सकते हैं और पीडीएफ से भी आप फोटोज बना सकते हैं। और साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपकी जो पीडीएफ है उसके सीक्वेंसेस अगर आपको पेज का रीशफल करना है यानी कि किसी पेज को ऊपर नीचे करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। पीडीएफ के किसी पार्ट को आपको कट करना है या किसी पेज को डिलीट करना है वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। और साथ में ही पीडीएफ को डॉक्यूमेंट फाइल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं और जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ओसीआर होता है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है, उसका भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। साथ में ही डॉक्यूमेंट फाइल को अगर पीडीएफ बना सकते हैं, साथ में किसी पीडीएफ में अगर कोई पासवर्ड लगा हुआ है तो उसको भी अनलॉक कर सकते हैं, और अगर कोई पासवर्ड आपको लगाना है तो वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर कोई वाटरमार्क आपको ऐड करना है, जैसे आपका कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट है जिसको कोई भी प्रिंट करता है, कोई भी यूज करता है, तो उसमें आपका एक लोगो जैसा आपका प्रिंट होना चाहिए या उसको दिखना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे आप पीडीएफ में बैकग्राउंड में यूज कर सकते हैं। पीडीएफ को अगर आपको रोटेट करना है, जैसे मान लो कि लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में करना है या पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में करना है, किसी पेज को करना है, तो वो भी आप यहां से कर सकते हैं। अगर पीडीएफ का पेज को क्रॉप करना है या किसी पेज को क्रॉप करना है तो, या फिर किसी पेज को रिसाइज करना है, वो भी आप यहां से कर सकते हैं। एचटीएमएल की कोडिंग फाइल होती है उसको भी अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ईपीओजी की जो फाइल होती है उनको भी कर सकते हैं, मोबी फाइल को भी कर सकते हैं, DJU VU फाइल को भी आप कर सकते हैं, FB2 फाइल को भी कर सकते हैं और PNG से भी कर सकते हैं। और ये जो वीडियो फाइल होती हैं जिससे TIFF फाइल होती है, BMP फाइल होती हैं, ऐसी ढेरों टूल्स यहाँ पे पड़े हैं जिसको मदद से आप यहाँ पे अपना PDF के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये जो वेबसाइट है आप याद रखिए pdfcandy.com के नाम से, ये फ्री ऑफ टूल है, इसका आप कितनी भी बार यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसके ऊपर एक जो पीसी के लिए, विंडोज के लिए एक सॉफ्टवेयर है जो कि आप फ्री आप यहां पे डाउनलोड कर लीजिए, इसी के ऊपर आपको मिल जाएगा। फ्री जब डाउनलोड कर लेंगे तो उसको जब इंस्टॉल करेंगे exe फाइल को, तो वो कैसी देखेगी, देखिए मैंने यहां पे इंस्टॉल करके रखा है, ये फाइल जो है वो मेरा डेस्कटॉप में मैंने करके रखा है, इसलिए बार बार मुझे वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, बार बार मुझे जो टूल यूज करना होता है बार बार फ्रीक्वेंटली, तो उसके लिए मुझे बार बार वहां सर्च करने की जरूरत नहीं होती है, यहीं पे मैं आपको यूज कर लेता हूं और अपना काम जो भी प्रॉब्लम होती है पीडीएफ से रिलेटेड या किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये जो वेबसाइट है आपको बहुत अच्छी लगेगी, आप जब भी यूज करेंगे आपको जितने भी पीडीएफ से रिलेटेड आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब यहाँ सोल्व हो जाएंगे। अगर कुछ भी आपकी क्यूरी बच जाती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।